सब गेमर्स कैसे हो सभी लोग। यार सबके मन में एक सवाल तो उठता ही होगा कि फ्री फायर आखिरकार हैक होता कैसे। तो गाइस यार आज की वाली वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ कि फ्री फायर आखिरकार हैक होता कैसे। तो देखो यार फ्री फायर सिक्योरिटी के लिए इंस्क्रिप्शन की लेयर लगाती बेसिकली सभी सर्वर में होती है। एंड जैसे जैसे वो लेयर बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिक्योरिटी बढ़ती जाती है एंड कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। सपोज करो जैसे आप फायर बटन दबाया तो बुलेट निकली एंड बुलेट जाके डायरेक्ट एनिमी को लगी, तो वहां पे कुछ हैकर कोडिंग से छेड़छाड़ करके कुछ इस तरीके का बना सकते हैं जैसे ही हम फायर बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट गोली जाके एनिमी के हेड पे लगेगी। तो कुछ इस तरीके से कोडिंग से छेड़छाड़ करके हैक बनाया जाता है। एंड आपको ये हैक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड करते हो तो आपकी आईडी क्यों बैन होती है उसके ऊपर भी मैं बताने वाला हूँ आगे। एंड इन सब हैक को बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड हैकर भी काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है सभी गेम में कोडिंग होती है एंड हैकर को वो कोड ढूंढना पड़ता है जहाँ जिससे वो छेड़छाड़ करके अपना हैक बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप इस हैक को यूज करते हो क्यों नहीं करते हो या फिर आपके ये हैक यूज करने से आपकी आईडी क्यों बैन होती है। देखो यार बेसिकली होता ये है कि आप जब हैक यूज करते हो तो वो आपका परमिशन मांगता है एंड आपका जाने क्या क्या आप उसके परमिशन दे देते हो, आपकी फोटोज वगैरह डाटा। एंड काफी बंदों को जब आप हैक करते हो देखते होगे तो आपने ये देखा होगा कि उनका जो ईमेल आईडी है उस पर अलग अलग से ईमेल आते रहते हैं एंड उनका जो डाटा है वो चोरी हो जाता है। आईडी बैन हो जाएगी वो तो दूर की बात है, आईडी बैन हो जाएगी तो नई आईडी भी आप ले सकते हो या फिर नई आईडी भी बना सकते हो, बट अगर आपका डेटा चला जाएगा तो आप क्या करोगे एंड आपका फोन खराब भी हो सकता है। जब एक हैक गेम में आ जाता है तो गरेना को भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उस हैक को हटाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी कोडिंग में से उनको ढूंढना पड़ता है कि कौन से चीज से इसने छेड़छाड़ करके अपना हैक बनाया है एंड इस हैक को हटाने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एंड मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि गेम को गेम के हिसाब से खेलें, हैक यूज करने से आपकी आईडी बैन हो जाएगी एंड आईडी बैन हो जाए तो कोई छोटी बात है बट आपका डेटा सारा चोरी हो जाएगा एंड आपने पता नहीं क्या क्या परमिशन दे रखी है तो आपका वो कैमरा भी यूज कर सकता है, जैसे कि आपका फोन रात को पड़ा हो एंड उस कैमरा भी आपको यूज कर सकता है वो हैकर। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप हैक कभी भी यूज ना करें क्योंकि उसकी वजह से आपके फोन के ऊपर भी बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ सकता है। तो यार मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हैक आता कहां से और कैसे बनाते हैं हैक। एंड अगर आपको इसके अंदर और भी डिटेल में जाना है तो मेरे को कॉमेंट्स में बता देना, इसके ऊपर मैं और कभी वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी तो आप लेफ्ट वाली प्ले लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो राइट में बहुत तगड़े गेम्स है पबजी के जैसे बिल्कुल कम मेमोरी में लो एंड डिवाइस के लिए, उसे जाके देखो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।